हेलो बच्चों, एक बार और आप सभी को एक स्वागत है इस मेरे फिजिक्स चैनल पे, वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। मेरा और आपका दोनों का यूट्यूब चैनल वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। तो आज कुछ नया बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बस बेसिक्स जाना था कि भाई पढ़ना क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। और बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, 8 मार्क्स का है, नॉलेज की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप पीछे जाके सबसे पहले पहला लेक्चर को देखिए। और आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यार कि आगे कैसे बढ़े, आगे क्या क्या पढ़ना है, आज कुछ नॉलेज का बात करेंगे। तो पहला यूनिट में बस हम लोगों ने बेसिक्स बात किया था, आप रिवाइंड कर लीजिए एक बार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कितने चैप्टर है इसके अंदर, कितने मार्क्स का है और कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे, ठीक है। तो चार्ज तो सभी को पता होगा, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में आपको बताया भी था कि चार्ज होता क्या है। चार्ज का ऐसा यूनिट बताइए तो जरा जल्दी से, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है क्या, कूलाम, ठीक है। और सीजीएस यूनिट होता है क्या, स्टेट कूलाम। चार्ज को दिखाते किससे हैं, क्यू से। और चार्ज का डायमेंशन होता है एटी। आज बात करेंगे कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। आज बात करेंगे कितने तरह के दुनिया में चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ज आखिर होता क्या है। चार्ज तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा कि हम सभी को पता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक और रिलेटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। आज बात करेंगे चार्ज के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको डिपिक्ट किया हुआ है कि चार्ज के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दिखाते हैं प्लस और माइनस से। चार्ज के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हिंदी में बात करना चाहेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिविटी उत्साह, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, या कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब कहलाता है, एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब कहलाता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है और किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे आज कि कैसे होता है चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कब होता है और नेगेटिवली चार्ज कब होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है। एकदम ध्यान से बस आप मेरे बात को सुनिएगा, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनिएगा, वह पॉजिटिव चार्ज कब होता है। ये जो लाइन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ज जनरेटेड ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोले, चार्ज जनरेटेड ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, की पॉइंट, ठीक है। रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज जनरेटेड ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एंड हम लोग जस्ट यहां पर क्या जानेंगे कि चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, देखिए इसका की पॉइंट बताते हैं, एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से, एक एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये बस आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा फोटो बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, यहाँ पर भी एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यदि यदि गौर कीजिएगा इस फिगर में, यदि मान लीजिए एक बॉडी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, यदि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, मतलब यदि इससे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर छोड़ता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, बाहर सेलेक्ट करता है, तो ये एक पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा या ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इससे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, रिमूव करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड आवर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप खुद से सोच के बताइए अगला वाला में क्या होगा। जैसे इसमें क्या हुआ ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, वो कब डेवलप होता है, कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या रिमूव करता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई बॉडी बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर नए नए इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, ये गेन करेगा, ठीक है, मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो देन ये जो बॉडी बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, समझना कैसे बच्चों, तो समझना कुछ इस तरीके से है कि यदि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकेगा, तो देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेगा, देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जो रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत ही जरूरी हम आपको चीज समझा रहे हैं। जैसे सोडियम इसमें कंसीडर कीजिएगा, एटॉमिक नंबर होता है 11, 281 लिखे हैं इसको, और जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281, अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर हो गया 2 और 8। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के बारे में आप सभी को जानते होंगे, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो मान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं 287, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl-288। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो बन जाएगा आगे जाके पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो बन जाएगा आगे जाके कौन सा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये हम लोग का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था चार्ज के बारे। चार्ज कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा वो कहलाएगा आगे जाके पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जिससे रिमूवल होगा और लॉस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें एडिशन होगा और गेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों, चार्ज होता है आपका 2 तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम ध्यान से, बस इलेक्ट्रॉन का कहानी है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन का कहानी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाता है आगे जाके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्जर्व बाय अ डिवाइस नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। मेजरमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, या आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का अस्थायित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्जर्व बाय ए डिवाइस नेम्ड एज
इलेक्ट्रोस्कोप 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 माइक्रोस्कोप का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। उसी तरीके से एक मशीन होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके मदद से आप इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं, इसके एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को देखने के लिए जिस मशीन का यूज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसका यूज किया जाता है चार्ज के एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए। और आपको आगे बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है चार्ज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, हर चीज को आपको देखते जाना है और सीखते जाना है। ठीक है, आपका नॉलेज कुछ इसी तरीके से बढ़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल हो पाइएगा। इसी से हर एक लाइन को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और यदि आप नए देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चार्ज को भाई देखने वाला जो मशीन है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से पढ़ना है फिजिक्स को, काफी इंटरेस्टिंग होता है फिजिक्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा बोर्ड पे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है? मतलब ऐसे समझो, चार्ज किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है, किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, वो चार्ज बॉडी में आता कैसे है? कि यार हम किसी बॉडी को बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आखिर पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहलाया या नेगेटिवली चार्ज क्यों कहलाया? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट चार्ज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों आखिर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है या क्यों आखिर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाता है? क्या रीजन है इसके पीछे कि आखिर कोई पॉजिटिवली चार्ज कहला रहा है या नेगेटिवली चार्ज कहला रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है, क्या रीजन है इसके पीछे कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहला रहा है या नेगेटिवली चार्ज कहला रहा है? तो इसके पीछे बस एक रीजन है, एंड दैट इज आवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हम लोग का दो चीज आएगा, आइदर लॉस और गेन, आइदर लॉस और गेन। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में चार्ज तभी डेवलप होगा जब वो ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। यदि कुछ नहीं करेगा तो बॉडी में कभी भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी से चार्ज डेवलप होगा। कुछ नहीं करेगा तो बस चलते रहेगा ऐसे, और जो बॉडी है जिस तरीके से है उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो बॉडी में चार्ज डेवलप या चार्ज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज है क्या या चार्ज जनरेट कैसे होता है? तो चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब यह है कि आइदर लॉस और गेन, ठीक है, लाभ या हानि, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या तो जाना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। यदि कुछ नहीं होगा तो चार्ज जनरेट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो जाने चाहिए, जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तब आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये जो कॉन्सेप्ट है चार्ज का, वो मैटर करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाहिए या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर आना चाहिए। इट मीन्स टू से दैट या तो लॉस होना चाहिए या तो गेन होना चाहिए, तभी चार्ज होगा। यदि लॉस और गेन कुछ नहीं हो रहा है तो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में आते हैं आपके, और वो टॉपिक है हम लोग का
वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज मतलब किसी बॉडी का मास चार्ज के साथ कैसे वैरी करेगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होने से किसी बॉडी का मास पे क्या अंतर पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होने से किसी बॉडी का मास पे क्या अंतर पड़ता है, मतलब मास कब बढ़ता है कब मास घटता है, ये अभी हम आपसे पूछेंगे। और इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम और आप दोनों साथ चलेंगे और एक साथ मिल के हम लोग आज इसको सीखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ मास विद चार्ज, कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज होने के साथ साथ, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो उसके साथ साथ किसी बॉडी का मास पे क्या असर पड़ता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसी पे कि किसी बॉडी का, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने से या नेगेटिव चार्ज होने से उसके मास पे क्या अंतर पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, और यहाँ पर एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है, नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप फिर से देखिए। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा कि आएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो मान लीजिए इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब इसके अंदर कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। इसके अंदर से मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, मान लीजिए कि पहले इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अब मान लीजिए, ठीक है, कि इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अब इसके पास, ठीक है, मान लेना है पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, अब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तो इसका मास बढ़ेगा ना घटेगा, इसका मास बढ़ेगा ना घटेगा, इलेक्ट्रॉन्स चला गया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक सपोज कीजिए आपके पास, ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर 10 किताब है, उस 10 किताब में से आप 4 किताब बाहर रख दीजिए, अब आपके बैग का जो वजन है, ठीक है, अब आपके बैग का जो मास है वो बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। इसलिए यदि पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे चले जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होने से मास बॉडी का इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी बॉडी का मास बढ़ेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो किसी बॉडी का मास, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, यदि पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास घटेगा, और यदि नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। यदि पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास घटेगा, और यदि नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसका मास उसके साथ चला जाएगा, इसलिए मास घट जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आके उसके अंदर आएंगे जिसके कारण उसका मास बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई बॉडी ठीक है पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास क्या होता है, घटता है,
और यदि बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मास बढ़ता है। ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए बैग है 10 किताब आगे से है, और आके हमने 5 किताब और रख लिया, बाहर से लाके रख लिया, तो मास बढ़ जाएगा। और यदि यही बैग से और निकाल के बाहर रख दिए तो मास घट जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने से मास घटता है और नेगेटिव चार्ज होने से मास बढ़ता है। ठीक है, तो ये था हम लोग आज का टॉपिक। अब एक बहुत जरूरी बात, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, आप सभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा प्रूफ मैं जानना चाहूंगा। सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अभी आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है, और इस होमवर्क को आपको सभी बच्चों को बिल्कुल करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं। ये आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा जो अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो आपका होमवर्क है, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज, इसके बीच में आप कितने डिफरेंसेस लिख सकते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मैंने इतने डिफरेंसेस लिखे हैं। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कि मास और चार्ज के बीच में कितने डिफरेंसेस है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने मास और चार्ज के बीच में जो डिफरेंसेस लिखे हैं कितने डिफरेंसेस लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को एक होमवर्क है जो आपको जरूर से जरूर पूरा करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और एक चीज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये हम लोग का नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इवन इफ आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं वो भी एक मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सही बच्चे, इस वीडियो का वेट जरूर से जरूर करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज की क्लास यहीं तक था बच्चों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपका शेयरिंग्स ही मुझे स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन डिफरेंसेस को लिखना है, और बहुत जल्द मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। और सभी कोई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।